वेलकम टू बंगला कंपोजिशन कंपनी। दोस्तों आज हमारे कस्टमर आए हुए हैं कर्नाटक मैसूर से, मोहम्मद मुस्तफा भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैसूर से ना? मोहम्मद मुस्तफा भाई मैसूर से, जो कर्नाटक के बगल में आए, मैसूर बराबर है ना, वहाँ से आए हुए हैं। वैसे तो वहाँ पे मैसूर में उसका बहुत बड़ा आइसक्रीम का काम काज है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, और शादी और फंक्शन में आइसक्रीम का बहुत ही बड़ा उसका नाम है। और वहाँ पे किसी को आइसक्रीम चाहिए तो मुस्तफा भाई का कांटेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज यहाँ पे आए हुए कि साथ में हम आइसक्रीम तो बेच रहे कि उस इतना बड़ा मेरा काम है वहाँ पे, आइसक्रीम के साथ में मिंडन वाटर का प्लांट भी ये लगा रहे, यानी आइसक्रीम भी उसका, मिंडन वाटर यानी पानी का बोतल भी शादी ब्याहों में उसका जाएगा। बाद में उसने सोचा कि इसके साथ में मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीरा का प्लांट लगाऊंगा, यानी जीरा भी मेरा जाएगा। कोई कस्टमर को सोडा रखना है, जैसे जीरा है, लेमन है, स्प्राइट है, ऐसा कोई फ्लेवर रखना है तो कस्टमर ने सोच, हमारे कस्टमर मुस्तफा भाई की सोच बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और प्यारी सोच है कि भाई जितना मैं स्टेप बाय स्टेप मशीन बढ़ाता रहूँगा उतना मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा। वो हिसाब से ये कस्टमर हर साल नया नया प्लान लगाते लगाते आए हुए, और आज हमारी फैक्ट्री में मशीन तो उसने करीब एक महीने पहले हमारी कंपनी में बुक करवा दिया है ऑनलाइन, और आज यहाँ पे निकले थे तो फैक्ट्री देखने के लिए आए, और यहाँ पे फैक्ट्री देख ले, चालू फैक्ट्री देख रहे के इतना माल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो हजारों की तादाद में बंच पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा बहुत हमारे कस्टमर हमारे बारे में बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वो कस्टमर आज यहाँ पे आए हुए हैं और उसने देखा कि सुबह से दोपहर तक हमने कितना प्लांट ऑनलाइन बुक किया, और उसको हमारे बारे में कैसा लगा, हमारा काम कैसा लगा, हमारी फैक्ट्री के बारे में कैसा लगा, हमारा टेस्ट के बारे में कैसा लगा, ताकि आपको पता चले कि बंगला कॉरपोरेशन कंपनी का काम किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत? आप थोड़ा हमारे बारे कंपनी के बारे में बताएंगे कि आपको हमारा काम कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा है। आप तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं भी देखा, इसलिए ऑनलाइन में पैसा डाल दिया। आज थोड़ा मशीन का जानकारी लेना था, बराबर से नहीं होता, उसे लाइव आके देखेंगे, बात करेंगे आपसे, करने के हिसाब से आ गया। मैसूर में आप जो आइसक्रीम का फैक्ट्री चला रहे हो, आपका जो ब्रांड है उसका भी आप नाम बताएं, ताकि आपको हमारे व्यूअर्स बहुत है, आपका भी ऐड हो जाएगा साथ में कि आपका कौन सा ब्रांड है। न्यू रॉयल बोल के है मेरा। न्यू रॉयल कौन सी जगह पे? मैसूर में सालीग्राम में। सालीग्राम तालुका है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक में उधर। तो आपका भी कोई शादी भी या फंक्शन है तो हमारे मुस्तफा भाई को मिलो अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको पूरा सेटअप कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का लेके पानी से लेके आइसक्रीम, क्या क्या हमारे व्यूअर्स को आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे? पूरे कैंटीन का ऑर्डर लेता हूँ, पान मीठे का है, पानी का है, जूस का है, आइसक्रीम तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, अब तो मिनरल वाटर का मैं खुद का डाल रहा हूँ प्लांट, अभी शेड चालू है, इंशाल्लाह जल्दी में हो जाएगा वो, तब मशीन कब देता है तब चालू कर देता हूँ। और ये आप बिजनेस कर रहे हो आइसक्रीम का, तो आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला, और आपको ऐसा सोच में कैसे आया कि भाई मेरे को जीरा का प्लांट लगाना है, और आपको आइडिया कहाँ से आया? मैं तो यूट्यूब देखता था 2 साल से आपके, उसमें सबका भी देखा था, आपका थोड़ा अच्छा लगा उसमें वीडियो, देर पैसा डाल दिया, उसके बाद में आके विजिट किया। ये आप मार्केटिंग लाइन में काफ़ी साल से जुड़े हुए होंगे, कितने टाइम से आप आइसक्रीम का काम कर रहे हो? मेरा खुद का 20 साल से है। 20 साल से 20 साल से आइसक्रीम का काम कर रहे हैं मैसूर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने तो मशीन लेने का सोचा होगा, तो काफ़ी कंपनियां में देखा होगा, काफ़ी कंपनियां में बात किया होगा, और दूसरी कंपनी में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि क्या फ़र्क लगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो है जो आपके मन में है, जो सच है सच है। मैं देखा तो उनका खुद का बना रहे, फिर भी मेरे को होता कन्फर्मेशन नहीं लगा, मैं आपका इसे विजिट किया, देखेंगे बोल। बाकी सारी कंपनियों में सेटिस्फाइड नहीं हुआ आप बेफिक्र बात करें, सेटिस्फाइड नहीं हुए? बहुत सारी कंपनी, कौन से गांव में, वैसे आपने बात किया था बोटलिंग प्लान के लिए, मुंबई है, अहमदाबाद है, कौन से सिटी में? मुंबई में था, पुणे में था, अब और दूसरा भी था, देखा था, जाक विजिटिंग किया, मेरे को उतना ये नहीं लगा, आपका मशीन का देखा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपने कोई 10,000 या 20,000 का चीज़ नहीं मशीन खरीदी है?
7-8 लाख का माल खरीदा आपने मेरे पास कम से कम, बराबर है। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि भाई आपने बहुत सारी कंपनी में देखा, हमारे में देखा, क्या आपको हमारे में क्या ऐसा अच्छा लगा? आपसे आपकी बात अच्छी लगी मेरे को, और मशीन में उनका सोच का अलग अलग रहता है, उनका माइंड में उनका अलग रहता है, तुम्हारा माइंड में तुम्हारा अलग है, मेरे तुम्हारे बनाए मशीन अच्छा लगा मेरे को। आपने टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी लगी? टेक्नोलॉजी सबके पास अभी भी मॉडल आपने देखा होगा यूट्यूब, आप तो 2 साल से देखते हो, बटन दबाओ सोडा आता है, बटन दबाओ सिरप आता है, ढक्कन लगाओ, यानी आप जुड़े हो, जानकार हो, 20 साल से काम कर रहे हो कि आपको पता है कि ये मशीन के अंदर सिर्फ एक आदमी 15,000 बोतल पर डे निकालता है, और दूसरा मशीन यूट्यूब में देखा होगा उसमें आपने कैलकुलेशन लगाया होगा कि ये मशीन के अंदर करीब 5 से 6 आदमी चाहिए, वो डिफरेंस तो देखा होगा ना आपने, पेपर वर्क तो किया होगा ना? हाँ लिखा है, पहले वो नल वाला इसका देखा था, अब वो अभी तुम्हारा 6 महीने से इसका देखा, मेरे को ये पसंद आया, इसमें आकर बुक किया। रोटरी वाला यानी कस्टमर को 2 साल से मेहनत करे, आज किसी को मोबाइल लेना है 30-40 हज़ार रुपये का मोबाइल लेना है तो भी वो 1 महीना मेहनत करता है कि इसमें GB ज़्यादा है, किसमें GB कम है, किसमें रैम ज़्यादा है, वो देखते हैं ना। और यहाँ भी आप आए तो आपने हमारा कारोबार, हमारा मगज, हमारा स्टाफ, हमारा कंपनी का कारोबार कैसा लगा, किस तरह आपको क्या कहना चाहते हैं? कितना साल पुराना कंपनी, आपने वो भी रिव्यू देखा है हमारा पूरा? वही देखा है, उसलिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। 1971 से आज हमारी कंपनी को 55 साल हो गया। मैं खुद 5 जनरेशन पे हूँ, यानी हमारे दादा सोडा बेच रहे थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बोटलिंग प्लांट इंडिया के हर कोने में मुस्तफा है हमारे लगा हुआ है। जी जी। आप सुबह में आए अभी करीब आधे घंटे पहले, मैंने कस्टमर को क्या बात किया, कितने रुपये का मेरा बिजनेस था, करीब 4.5 लाख रुपये का बिजनेस था, मैंने उसको क्या बोला आपके सामने, आपका गांव कहीं था कर्नाटक का? वो पुराना मशीन था, वो छोड़ के नया मशीन लेने वाला था, अब उसमें 15,000 में रेडी करके दे दूंगा, वही बोला ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कितने रुपए का बिजनेस जाने दिया? 4.5 लाख रुपये का बिजनेस। 4.5 लाख रुपये का बिजनेस। अभी कस्टमर हमारे बैठे थे तो उसके गाँव में से एक फ़ोन आया कस्टमर का, भाई मैं 7 साल का आपका मशीन चला रहा हूँ, मेरे को रोटरी मशीन दे दो, अजीजुर रहमान जी है भटकल से। जी जी जी, देखा ना? हाँ। रहमान अजीजुर रहमान जी है भटकल से, वो करीब बहुत कुछ तो पुराना कस्टमर है, और हमारे आलिम दीन है, हाफिज़ साहब है, बहुत अच्छे कस्टमर है, लेकिन हमको कोई पैसे का लालच नहीं था, मैंने उसको बोला हाफिज़ साहब आप 4.5 लाख का खर्चा मत करें, मैं आपको मशीन 20,000 में कम्प्लीट कर देता हूँ, आप और 1 साल चला लीजिए, फिर बाद में इंशाल्लाह देखिए, मैंगो फिलिंग मशीन दे दो। तो उसने बोला मैंगो फिलिंग मशीन का भी ऑर्डर दिया ना? दिया देखा है।